नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जयपुर सिटी और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। नकली सामान बेचने वालों ने अब तो हद कर दी है। जी हां, धूप बारिश से बचाने के लिए लगाई जाने वाली कलर टीन सेट भी अब नकली बिकने लगी है। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके के नारायणपुर विहार में ब्रांडेड कंपनी के नाम से मार्का लगाकर टीन सेट बनाने वाली एक फैक्ट्री पर पुलिस ने कंपनी के प्रतिनिधियों की सूचना पर छापे मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां से 20 टन से ज्यादा स्टील की टीन सेट बरामद की है, जिनकी कीमत है बाजार में तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए आके जा रही है। साथ ही मार्का लगाने के काम में आने वाली लेजर मशीन भी पुलिस ने बरामद की है। ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी प्रदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ बातें सामने आ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मनी, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देखिए, हदें पार हो गई हैं। अभी तक मिलावटखोरी के बहुत सारी चीजें हमने देखी, नकली सामान देखा, लेकिन अब तो सोचिए आप, बारिश और छांव के लिए टिन सेट जो लगाई जाती है वो भी ब्रांडेड कंपनी का ठप्पा लगाकर बाजार में बेची जाती है। इसी तरह की फैक्ट्री पर जो पुलिस विश्वकर्मा पुलिस है, उन्होंने दबिश दी है, छापेमार कार्रवाई की है। साथ ही जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं वे भी मौके पर पहुंचे हैं। तकरीबन 20 टन से ज्यादा स्टील की जो टिन सेट है ये बरामद की गई है। साथ ही जो मशीन है जिससे ठप्पा मार्का लगाया जाता था उसे भी जब्त कर लिया गया है। जो मैनेजर बताया जा रहा है वह फिलहाल मौके से फरार हो गया है। साथ ही जो सुरेंद्र शर्मा नाम के मैनेजर है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो संचालक है वे फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है इस नेक्सस में और कौन कौन लोग जुड़े हैं, साथ ही ये माल कहाँ बेचा जाना था। फिलहाल पुलिस ने ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत जो फैक्ट्री संचालक है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मनी, शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है और आगे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ चल रही है।